हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो भाई? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सभी जवानों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस भर्ती में जो भी फॉर्म भर दिए हैं तो उनको आगे क्या करना होगा, जिनका कुछ गलत हो गया तो वो क्या करेंगे, और एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर से आपका एग्ज़ाम कब होगा, और सिलेक्शन लेने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज़ है ना कि क्या पढ़ना पड़ेगा, और मैं खुद सिलेक्ट हूँ तो आपको सिलेक्ट करवाऊँगा ज़रूर। ये चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कि देखिए क्या क्या है ना कि जो चीज़ वही चीज़ें पढ़िए जो आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। और देखिए कुछ लड़के मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं कि भैया मैंने यहाँ से कोर्स परचेज किया और मैं फंस गया, मतलब बिल्कुल इतना एफोर्ट भी नहीं, मतलब कैसे कैसे मतलब पैसे जुटा कर मतलब लिए थे और एफोर्ट किए थे, बाकी बहुत मुझे ये हुआ वो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। 999 मतलब 999, यहाँ तक कि 2500 का कोर्स यहाँ पर बेचा जा रहा है। और भाई क्या है ना कि ये एक तरीके से इमोशन के साथ खेला जा रहा है। और क्या है ना कि देखिए चीज़ें वही है, बस उसको आकर डिजिटली प्रेजेंट किया जा रहा है, बोर्ड पर एकदम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया जा रहा है। बाकी एक चीज़ मैं आपके लिए डिज़ाइन किया हूँ वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, अच्छा लगेगा तो आप लोग समर्थन कीजिएगा। बाकी इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हज़ारों फौजी भाइयों का ये चैनल है, और इस चैनल से पढ़ के, इस चैनल से गाइडेंस लेकर, इस चैनल से मोटिवेट होकर हज़ार फौजी, 1000+ फौजी डिफेंस में तैनात हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नेवी में, ज़्यादातर बच्चे नेवी में ही हुए हैं, क्योंकि मेरा शुरू से ही मतलब नेवी पर फोकस था और मैंने नेवी को बहुत बार क्लियर किया हूँ, और मैं खुद सिलेक्टेड हूँ तो भाई आपको खुद सिलेक्टेड करवाऊँगा। आप बिल्कुल मैंने जो क्वेश्चन किया हो ना वही सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब टीचर होंगे या फिर कोई और होगा, बस क्लास नोट्स जो भी मैंने पढ़ाया ना बस उसी का फोटो कॉपी होगा, उसी का सब चीज़ होगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। दोस्त मैंने शुरुआती में एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका प्राइस 199 रखा था, लेकिन क्या है ना कि बहुत लड़के जुड़ तो नहीं पा रहे थे, जैसे मैसेज करते थे कि भैया मेरे से इतना एफोर्ड नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कुछ करिए। तो भाई मैं देखिए क्या है ना कि इससे तो कम में आपको कोई पढ़ा नहीं रहा, और मैं देखिए एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं डिलीवर करूँगा ना रियल कंटेंट होगा और राइट कंटेंट होगा, क्योंकि भाई देखिए आप लोग खुद समझदार हैं, आपने देखा होगा रिव्यू, सबसे ज़्यादा बच्चे रिव्यू करते हैं इस चैनल को, क्यों करते हैं भाई, मैं हज़ार हज़ार रुपये देकर उनसे रिव्यू लूँगा तो वो देने से मना कर देंगे। बट अगर आप जेन्युइनली मैं किसी को मैं हेल्प करता हूँ ना बाय द वे कुछ भी, तो वो मुझे जरूर से ज़रूर रिव्यू देंगे। सपोज आप ही आपका सिलेक्शन होता है तो आप मुझे खुद रिव्यू दोगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोग यूट्यूब पर देखना कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टफुल चैनल है, तो आपके ट्रस्ट के साथ कभी नहीं खेला जाएगा। तो इसलिए मैं इस प्राइस को रख दिया हूँ 149, और ये प्राइस है सिर्फ आज के लिए, जिनको भी एडमिशन लेना है ले लीजिए। और हाँ एक चीज़, हाँ आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, नो डाउट आप देखिए बैच जुड़, देखिए क्या है ना कि अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको मतलब क्या है ना कि आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है हाय, और हाय लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना है पेड बैच, ऐसे लिखिएगा तो आपको सीधे टीम के थ्रू एक स्कैनर दिया जाएगा, और स्कैनर पे आप पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और आप थोड़ा सा परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी टीम वर्क करता है तो थोड़ा सा उनको भी दिक्कत होता है। तो एक चीज़ हाँ क्या है ना कि आप ये लीजिए ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप फॉर्म नहीं भरते हो। आप फॉर्म को ज़रूर भरिए और अपना कहीं से भी तैयारी कीजिए, बस आप सिलेक्शन लीजिए, अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और अपना खुद का मतलब एक ब्रांड क्रिएट कीजिए कि हाँ मैं भी एक सोल्जर हूँ तो देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, भावना होनी चाहिए। और बाकी चलिए ये सब चीज़ें तो हो गई, बाकी क्या है ना कि जो भी कोर्स में जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाइए, और जो लोग कहीं से देखिए क्या है ना कि जो लोग कहीं से कोर्स ले लिए हैं, क्या है ना कि बहुत बच्चे ऐसा मैसेज करते हैं कि भैया मैंने यहाँ से कोर्स परचेज कर लिया और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो आप कहीं से भी कोर्स किए खरीद लिया है ना, मैं बाई कर लें, तो जैसे आप एक काम कीजिएगा, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं 99 में अफोर्ड करूँगा ये, आप जो भी पेड कोर्स कहीं से ख़रीदे हैं उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये 99 में रहेगा सिर्फ, ये जो कहीं से मतलब थक हार कर बैठे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो बाकी आपको पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए इस पर मैसेज करना है, तो ये इस पर मैसेज कर दीजिए हाय और पेड बैच करके, ठीक है, ऐसे मैसेज कर दिए, ठीक है। बाकी अभी देखिए क्या है ना कि अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग के माइंड में है तो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है ना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि फॉर्म किसने किसने भरा,
तो आप लोग जिसने भी फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, और खैर जिसने नहीं भरा अभी भी टाइम है, फॉर्म को भर दीजिए। बहुत कम फॉर्म फिल किया गया, यहाँ तक कि भाई पिछले साल से बहुत कम फॉर्म फिल किया गया, और आंकड़ा 2 लाख से नीचे ही रहेगा, अभी 1.5 लाख के करीब में चल रहा है। तो क्या है ना कि अभी 2 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। जिसका फॉर्म गलती हो गया उसका क्या होगा, तो भाई करेक्शन विंडो आएगा, आप लोग वेट कीजिए। करेक्शन विंडो अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आपका उसी पर सबमिट कर लिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपने पेमेंट किया है ना, 650 रुपये पेमेंट किया है ना इंडियन नेवी को, तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, चाहे आप विराट कोहली के नाम से फॉर्म क्यों ना भर दिए हों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका जुलाई में आएगा, जुलाई के मिड के बाद। ठीक है, मिड के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है ना, जैसे मैं बताता हूँ कि जुलाई में आएगा, 18 तारीख 19 तारीख 20 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और हो सकता है आपका जो पेपर है ना साथियों, आपका पेपर कब होगा, तो आपका पेपर होगा 26 जुलाई के बाद हो सकता है। ठीक है, पेपर 26 जुलाई के बाद होगा। और ये चीज़ें अगर थोड़ा सा दिक्कत आती है, ये अगस्त में भी ये शेड्यूल हो सकता है, बट मेक श्योर यहाँ पर फुल चांस है कि आपका जुलाई के लास्ट में पेपर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जुलाई मानकर तैयारी कीजिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब होगा ये तो पता चल गया, एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी पता चल गया, सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ने हैं, तो भाई घंटा डजेंट मैटर, आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क डजेंट मैटर, यहाँ पर मैटर करता है स्मार्ट वर्क, कि आपने किस किस टॉपिक्स को पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। तो साथियों वही चीज़ मैं स्मार्ट वर्क के तौर पे देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, वो उसका थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ, स्मार्ट वर्क क्या होता है। खैर थोड़ी ये सब प्रमोशन वाली बात हो जाएगी, बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं यार, अपना खुद का वैल्यू क्रिएट कर रहा है, खुद का मतलब प्रमोशन कर रहा है, तो डजन हम कुछ वैसा नहीं शो करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि देखिए क्या है ना, कि जिनको भी ट्रस्ट है तो आप लोग जुड़िए, और नहीं ट्रस्ट है तो आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीजिए, और अच्छे से आप कहीं से भी मेहनत कीजिए, बट हाँ सिलेक्शन जरूर लीजिए। क्या है ना, देखिए सिलेक्शन के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना है, तो आप सिलेक्शन के लिए घंटे से मत पढ़िए, आप डेली का टॉपिक्स बना लीजिए कि हाँ फिजिक्स में मुझे आज यूनिट पढ़ना है, या फिर आज मुझे डायमेंशन याद करना है, इस तरीके से पढ़िए। आज हमको टाइम आपको यहाँ पर याद वर्क एनर्जी पावर याद करना है, तो ये टॉपिक होना चाहिए। जैसे आपको जैसे मैथ्स में आपका होना चाहिए कि आज हमको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, या फिर एवरेज पढ़ना है, या परसेंटेज, या फिर जो टेक्निकल मैथ्स वाले हैं तो आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मतलब रोज़ का एक फिक्स टॉपिक बना लो, और आप इस तरीके से अपने शेड्यूल सेट कर लो कि हाँ मेरा मतलब एक महीने के अंदर में सारा चीज़ पढ़ लेना है, और बाकी एक महीने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कहाँ से पढ़े, कहीं से भी पढ़िए, बट पढ़िए, और कैसे तैयारी करें ये चीज़ें यूट्यूब पर हम यहाँ पर बताते रहते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमारे पेड बैच में जुड़ने के लिए बस वही है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, इस वीडियो को पहले में बताया गया, तो बस वही है। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।